ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। सर कितनी सीटों पर शिवसेना लड़ेगी? अभी शिवाजी महाराज की जय। फिगर बताने का अधिकार मुझे नहीं है। हमारे साथ हैं शिवसेना नेता श्रीकांत शिंदे जी, जो फिलहाल जनसंवाद यात्रा पर हैं और लोगों तक पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ताओं तक पहुंच रहे हैं। सर आपकी जनसंवाद यात्रा जोर शोर से शुरू है, कैसा रिस्पांस मिल रहा है, क्या कहेंगे? जनसंवाद यात्रा अभी तीसरे चरण में है। पहले उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र, अभी मुंबई में, कल भी मुंबई के 5 विधानसभा चुनाव क्षेत्र हम लोग थे, आज देखिए 5 चुनाव क्षेत्र जो है हम लोग कर रहे हैं। अभी हम लोग विक्रोली भांडुप, इसके पहले वरली शिवडी बाईकड़ा विधानसभा, सभी जगह से कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, पदाधिकारियों से बात कर रहे हैं, सामान्य शिवसैनिकों से बात कर रहे हैं। इतना जैसा सभी से जानकारी ले किस प्रकार से तैयारी हो रही है विधानसभा की, किस तरीके कैसे पक्ष का संगठन है, योजनाएं लोगों तक पहुंच रही है कि नहीं, माननीय मुख्यमंत्री मोदी काम कर रहे हैं वो किस तरीके से लोगों तक लेके जा रहे हैं, लाड़की बहन योजना जो है ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, वो लोगों तक कैसे किस प्रकार से पहुंच रही है, तो ये सभी के बारे में और वहाँ पे लोकल, उस विधानसभा में लोकल प्रॉब्लम्स क्या है जिसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इमीडिएटली, उसके बारे में भी जानकारी लेने का काम चल रहा है। सर क्या लगता है कितनी सीटों पर विजय की उम्मीद है आपको, कितनी टक्कर दे पाएंगी महायुति? देखो महायुति ही पूरी तरीके से जो है, जिस तरीके से हम लोग ने काम किया है गए 2 सालों में, जिस तरीके से डेवलपमेंट का भी काम किया है, रिकॉर्ड तोड़ निर्णय लेने का काम गए 2 सालों में हमारी सरकार ने की है, और उसके साथ में डेवलपमेंट के साथ जन कल्याणकारी योजना, मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना, लेक लाड़की योजना, उसके बाद युवा कार्य प्रशिक्षण योजना हो, वयोश्री योजना हो, किसानों के साथ कृषि, मतलब 7.5 HP के कृषि पंप के लिए पूरी तरीके से मुफ्त बिजली हो, युवाओं के लिए नौकरी हो, इतने सब निर्णय हम लोग ने लिए हैं, तो डेवलपमेंट के साथ जन कल्याणकारी योजना भी हम लोग लोगों तक पहुँचा रहे, और इसको देखते हुए लोगों का विश्वास जो है यहाँ पर बढ़ा है। और जैसे लोकसभा में आपने देखा कि लोकसभा में अलग आपको रिजल्ट देखने के लिए, क्योंकि कुछ लोगों तक जो है गलतफहमी फैलाने का काम, गलत नैरेटिव का काम जो है पूरी तरीके से फैलाने में अपोजिशन यशस्वी हुई, लेकिन अभी ये विधानसभा का चुनाव है, विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दोनों मुख्यमंत्री महोदय हो और अच्छी सरकार जो है अच्छे काम यहाँ पर करे, हमारा पूरा विश्वास है कि फिर से एक बार महायुति की सरकार जो है महाराष्ट्र में सरकार यहाँ पर स्थापन करेगी। सर एक आखिरी सवाल, महायुति कह रही है कि 150 पार करेंगे और पूर्ण बहुमत से आएंगे? पूर्ण बहुमत से आएंगे हम लोग, जिस तरीके से हम लोग अभी ग्राउंड लेवल पे मैं घूम रहा हूँ, तो ग्राउंड लेवल पे घूमने के बाद पता चलता है कि किस तरीके से संगठन की ताकत है, महायुति की ताकत है, बाकी हमारे अन्य पक्ष जो है BJP है, राष्ट्रवादी है, उनकी किस प्रकार से तैयारी शुरू है, तो सभी पार्टीज जो है अब अपनी तैयारी कर रही है और हम जो है लोगों तक डेवलपमेंट का एजेंडा लेके जा रहे हैं, हम यहाँ पर कोई इमोशनल एजेंडा नहीं लेके जा रहे हैं, जिस तरीके से ऑपोजिशन जो है फेक नैरेटिव फैलाने का काम हमेशा यहाँ पर करती है, लेकिन हमारे पास जो हमने काम किए हैं ग्राउंड लेवल पर, अगर मुंबई में देखोगे तो सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, मेट्रो, सबसे बड़ी मेट्रो जो है 350 किलोमीटर से ज़्यादा मेट्रो हम लोग ने यहाँ पर बनाए, कोस्टल रोड, MTHL, सीमेंट कॉन्क्रीट के रोड्स, अलग अलग ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, ये सब काम जो है रिकॉर्ड समय में पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है, इसलिए पूर्ण बहुमत से महायुति की सरकार फिर से सरकार जो है यहाँ पर इस महाराष्ट्र में स्थापन करेगी। सर कितनी सीटों पर शिवसेना लड़ेगी? अभी शिवाजी महाराज की जय। देखो फिगर बताने का अधिकार मुझे नहीं है, तीनों नेता एक साथ बैठकर जो जहाँ पर जिसकी ताकत है वहाँ पर इलेक्शंस लड़ेंगे और जहाँ जहाँ पर जो जो उम्मीदवार चुन के आएगा, विनिंग कैंडिडेट होगा, उसको उम्मीदवारी दी जाएगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है चुनकर आए, और मुझे लगता है कि अच्छे सीटों पर जो है शिवसेना यहाँ पर कंटेस्ट करेगी, तीनों पार्टीज एक साथ मिलकर महायुति का उम्मीदवार कैसे चुन के उसके लिए हमारा काम चल रहा है। बिल्कुल, तो पूर्ण बहुमत से आने का विश्वास जो है वो श्रीकांत शिंदे द्वारा व्यक्त किया गया है और महायुति का जो भी उम्मीदवार होगा उसके लिए पूरे दिलोजन से काम करने का विश्वास जो है वो भी श्रीकांत शिंदे ने व्यक्त किया है। कैमरामैन सिद्धेश के साथ दीपेश त्रिपाठी, आज तक मुंबई।